एक्चुअली हमने तो बड़े मजे किए लखनऊ में व्हेन वी वर शूटिंग डाइट प्लान. डाइट प्लान क्यों करेंगे? नो 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 नो, दिस इज अ रॉन्ग नोशन भैया. आई ईट व्हाट यू ईट, बट सिर्फ यही है कि 6:30 बजे लास्ट खाना होता है. वो लॉयर का रोल है, मैं एक्टर हूँ, कहाँ से कनेक्ट करूँ इसको? नेचर वाइज कहाँ से कनेक्ट होगा? वो लॉयर है, मैं एक्टर हूँ, कनेक्ट करना मुश्किल है. लेकिन हाँ, फिल्म के बारे में बता सकता हूँ कि मेरा किरदार जो है लॉयर का किरदार है. और आ जाओ सेल्फी ले लेते हैं. सेल्फी ले रहे हो क्या कर रहे हो? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा अच्छा, मैं समझा सेल्फी ले रहा हूँ, वहाँ फ्लैश आ गया सडनली. और साथ में ये इसके अंदर जो भी आप देखोगे, देर आर रियल केसेस एंड बचपन में मैंने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी थी. तो बीरबल जैसे आप लोगों ने भी सुनी होगी कि बहुत स्मार्ट आदमी था एंड हाउ यूज टू सॉल्व थिंग्स, जो अकबर उसके सामने रख देता था. उसी पे कैरेक्टर को भी मैंने अपने आप को उस बीरबल के हिसाब से रखा हुआ है. इसीलिए माथे पे अगर आप देखोगे तो टीका लगा हुआ है. एंड सो इट वॉज फन प्लेइंग दिस कैरेक्टर. It keeps you always on the toes because you do different characters and you don't take your work for granted, you don't take your audience for granted, and you challenge yourself, and which keeps you motivated also. So it is a kind of a deliberate attempt that I try to do something different. जी मैंने स्टडी नहीं की, मेरे डायरेक्टर ने काफ़ी स्टडी की थी, जिन्होंने फिल्म लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है. सो वैसे मेरे डायरेक्टर जो हैं वो एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको काफ़ी नॉलेज थी ये सब चीज़ों के बारे में, तो इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी है. सो जितनी भी मुझे मेहनत करनी थी वो उन्होंने की थी, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और कैसे अपने आप को इसके अंदर सही रखा जाए. टू प्ले डिमांडिंग, आई डोंट थिंक इट. हाँ वो एक्चुअली हमारी फिल्म में रिलेशनशिप ऐसी है कि यू नो ही इज़ अ वेरी इज अ मैन हु वांट्स टू डू सो मच फॉर हिज फैमिली and he wants to you know earn a lot of money and take care of his wife and she's also like you know she has they have aspirations like middle class family hai to har family ki aspiration hoti ki hum yahan ghumne jaye ya koi achhi cheez khareede so they keep having that and but at the same time it's a relationship jahan dono ek dusre ko bahut pyar karte hain aur protect bhi karte hain so my character at least is of course you know I'll fight with him or I'll be aggressive with him but at the same time I'll be like I can say anything to you but nobody else to talk to jolly incorrectly, you know, so that's the kind of relationship that we have. Well, I genuinely don't have any complaints. I think you know the one reason why he is so good at his work and he's so successful at what he does is because of his sense of discipline. And as an actress, I feel very happy that you know you come early but you also pack up early, you know, and it's all productive work. You don't come and faff and you know, I mean, in 33 days you finish the whole film. I don't think anybody else can sort of you know deliver like a whole film in that kind of time, and I think it's amazing. Any food habits that from Akshay which has got stuck with you? Because jitne bhi actors hote hain Akshay diet plan hota dekhe aate hain एक्चुअली हमने तो बड़े मजे किए लखनऊ में व्हेन वी वर शूटिंग. डाइट प्लान. डाइट प्लान क्यों करेंगे? नो 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 नो, दिस इज अ रॉन्ग नोशन भैया. आई ईट व्हाट यू ईट, बट सिर्फ यही है कि 6:30 बजे लास्ट खाना होता है. वैसे तो मैं भी मीठा खाता हूँ, मैं भी पूरा जो कुछ खाना है, चावल, दही, वेजिटेरियन, सो सारा मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद पान, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. सो बट हाँ, एक सवा घंटा कसरत कर लिया,
एंड मतलब एक नॉर्मल जिंदगी जीना. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, 6:30 बजे खाना खा लो, लास्ट खाना आपका हो बस, देन आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम. खास करके डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक, दीज आर द टू थिंग्स विच आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन आर कंट्री. यू कैन कंट्रोल दैट ओनली विद वन हैबिट ऑफ 6:30 खाना खा लो. एंड अगर आप उसमें कहोगे तो मैं अभी उस पर थीसिस लिख दूंगा बैठे. मैं थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि मैं ऑल्दो स्कूटी चला सकती हूँ, मैंने पहले भी एक फिल्म में चलाई है, बट मुझे था कि मतलब ये पीछे बैठे हुए हैं एंड आई वाज आई प्रैक्टिस अ लॉट. तो एक हमारे असिस्टेंट मैंने इसको बोला था डरने की जरूरत नहीं, मेरा पैर नीचे है, गिरेगी तो मैं तो निकल जाऊंगा. मैंने कहा नहीं, बट आई वाज स्केयर्ड अगर आपको लग गई तो आप चार प्रोड्यूसर आ जाएंगे मेरे. कह तो रहा हूँ गिरेगी नहीं, मतलब मैं नहीं गिरूंगा, मेरा पैर नीचे है, अगर तू गिर गई तो मैं तो निकल जाऊंगा. हीरोइन गिर गई. फिर क्वेश्चन बदल दिया. उसके बाद उससे पहले डाला था, उसके पहले डाला था और फिर वुमेन्स की सेफ्टी के लिए. तो ये थॉट प्रोसेस तो उसी के अंदर है, 5 मिनट का है, सारा थॉट प्रोसेस उसी में नजर आ रहा है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट द रिस्पॉन्स विद द गवर्नमेंट वॉज वेरी फास्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे रिस्पॉन्डेड सो फास्ट एंड आई होप एवरीथिंग गोज आउट एंड बिकॉज दिस इज नॉट फॉर this is a thing from the civilian to the army. It's a respect to the army from the civilian. So that was just the idea about it. Sir, actually, वो trailer में भी हमने देखा कि आप कहते हैं कि क्या सलमान खान की शादी हो जानी चाहिए. तो आप मानते हैं कि ये जो question है वो national question बन चुका है, national सवाल. नहीं नहीं darling, उसमें क्या होनी चाहिए नहीं, कब होगी question वो है. So वो तो एक ऐसे ही अपना dialogue लिखा था. क्योंकि आई वॉन्टेड टू वो जो जिसको मैं पूछता हूँ उसको मैं फंसाना चाहता हूँ. तो वाकई में नहीं है ये जानना, नहीं है वाकई में ये नहीं जानना है. दैट इज़ हिज सलमान्स पर्सनल लाइफ एंड वो तो मैं उस आदमी को जो जिसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा था उसको फंसाने के चक्कर में. नहीं जी, अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है. मैंने कभी अभी तक कोर्ट में कोर्ट के चक्कर नहीं काटे. हाँ जी, मैं आता हूँ घर पे, आके घर पे मतलब आके खाना बनाता हूँ काम करने के बाद, कभी कभी. हाँ, रोज नहीं. मैं मुझे नहीं पता, वो आपको फॉक्स को पूछना पड़ेगा. बस यही कहूँगा कि लॉ को लेना नहीं चाहिए हाथ में. Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.